टेंशन ले रहे थे कि यार ये डॉक्टर वो डॉक्टर वो डॉक्टर नहीं ये डॉक्टर, 2 दिन से हम पीछे रह गए, ये सब ऐसे ऐसे हुआ। लेकिन लास्ट में आप सुनोगे ना क्या हुआ तो आप भी हंसोगे। आप कितना भी प्लान कर लो लेकिन आपके प्लान के ऊपर भी किसी का प्लान जो है वो काम कर रहा होता है। हे ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? पूरी उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे आप लोग। तो आज के वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ अपनी डिलीवरी स्टोरी। एक्चुअली आप लोगों को लड्डू से इतना प्यार है और मेरे व्लॉग्स में भी आप लड्डू को ही ज़्यादा देखना पसंद करते हैं, और एक दिन भी अगर लड्डू ना दिखे तो आप लोग कॉमेंट करते हैं कि लड्डू को थोड़ा ज़्यादा दिखाया करो, लड्डू को मिस मत किया करो। तो बहुत सारे कॉमेंट्स आते थे कि आप अपनी डिलीवरी शेयर क्यों नहीं करते, डिलीवरी स्टोरी शेयर क्यों नहीं करते। तो बीच में तो पता नहीं मैंने इस वीडियो को बनाने का सोचा नहीं था, लेकिन अभी फिर दोबारा से जब मेरे से पूछा गया तो अब फाइनली मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरी और रमेश की शादी हुई थी अक्टूबर 2018 में, और दिसंबर में मुझे पता चलता है कि मैंने कंसीव कर लिया है। और मतलब सुन के कुछ जान के कुछ ऐसा नहीं लगा कि हमें अरे अभी हम लोग रेडी नहीं है या अभी ऐसा ऐसा कुछ भी हमने सोचा नहीं। हम लोग जान के खुशी हुए और हम लोगों को लगा कि हाँ हम रेडी हैं, हम कर लेंगे। तो फिर वही मॉम डैड को बताया और मतलब सब लोग इतने ज़्यादा खुश थे। और उसके बाद ये था उस टाइम पर इनिशियल डेज में ये बड़ा अच्छा हुआ कि उस टाइम पर मैं और रमेश मम्मी के घर में ही रहते थे, मतलब मेरे मम्मी पापा के घर में रहते थे। वो रीज़न इसलिए था क्योंकि शादी के बाद जब हमने जो घर बुक करवाया था उस घर का पोजीशन मिलने में कुछ 3-4 महीने का टाइम था हाथ में। वही जो प्रोसीजर होता है, घर बन रहा होता है, फिनिशिंग वगैरह, ये सब चीज़ों में 4 महीने भी हाथ में थे। तो रेंट हम लोगों ने उस टाइम पे ना, मतलब मम्मी ने भी मना किया, इस टाइम पे रेंट वेंट लोगे कहाँ जाओगे, तो अभी यहीं रहो, जैसे ही पोजिशन मिलता हमने सीधा डायरेक्ट घर में जाना। तो वो टाइम मेरा मतलब मेरे लिए बढ़िया हो गया कि हाँ मेरे इनिशियल डेज में मॉम थी मेरे साथ में। तो अभी क्या हुआ, स्टार्टिंग में मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती थी, बहुत ज़्यादा। उस टाइम में पता नहीं क्यों मुझे खांसी भी बहुत ज़्यादा रहती थी, और जब डॉक्टर को भी दिखाया था तो उन्होंने भी बहुत कुछ ट्राई कर लिया, मेरी खांसी नहीं जा रही थी। तो मतलब लेकिन खांसी प्रेगनेंसी के दौरान रहना इतनी ठीक बात भी नहीं थी। तो लेकिन धीरे धीरे करते करते वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। और उस टाइम पे मैं जॉब कर रही होती थी, तो जॉब भी मैंने फिर, मेरी जब ज़्यादा तबीयत ठीक नहीं रहती थी तो फिर मैंने जॉब भी अपनी छोड़ दी थी क्योंकि प्रॉब्लम को ज़्यादा थी। सुबह सुबह वॉमिटिंग ये वो, और मेरे रिब्स में बहुत ज़्यादा पेन रहता था। तो मतलब ये उस टाइम पे होता था स्टार्टिंग के डेज में, और अक्सर मतलब ये तो रहता ही रहता था कि मेरी सुबह मतलब वॉमिटिंग तो मेरी पक्की पक्की है, और बेचारा रमेश रमेश की आफत हो जाती थी। बट ठीक है, वो बहुत ज़्यादा मतलब सपोर्टिव रहा है इस मामले में, बहुत ज़्यादा हेल्प करता था। मतलब मेरे को सच में कोई मेरे से ना काम होता था ना कुछ होता था, मेरे को बस ये लगता था कि बस मुझे पेट दे दो, बस मैं बेड पे बैठी रहूँ, लेटी रहूँ, और बस मोबाइल देखती रहती थी क्योंकि जॉब भी छूट गई थी तो बस यही करती थी। और वही टाइम था जब मेरे को ये यूट्यूब और ये सब, वही टाइम पर मैंने ये सारी चीज़ें सीखी थी और करी थी, एंड ऑल्सो डिसाइडेड टू मेक माई ओन चैनल। तो खैर इन सबको छोड़ते हैं, वापस आते हैं अपनी इसी स्टोरी पर। तो मेरा फिर यही रहता था कि मैं बस खा रही हूँ, पी रही हूँ और लेटी हुई हूँ, और मोबाइल, बस यही मेरा काम रहता था। जॉब भी मैंने छोड़ दी थी। तो अब आते हैं डॉक्टर की बात करते हैं। तो डॉक्टर, मैंने वही डॉक्टर कंसल्ट किया था जिन्होंने मेरी दीदी की भी डिलीवरी करवाई थी, तो काफ़ी अच्छी डॉक्टर हैं वो। और मेरी दीदी की मतलब डिलीवरी कराई है, तो एक होता है ना कि आपने देखा हुआ है डॉक्टर को, तो थोड़ा सा मतलब वहाँ पर आपकी ना जो टेंशन है वो थोड़ी कम हो जाती है। तो मतलब यही है कि वो इतने, एक तो वो इतनी अच्छी डॉक्टर, इतनी स्वीट है, उनकी बातों से ही ना आधी तकलीफ तो वहीं ख़त्म हो जाती थी। तो मतलब इस बात के लिए तो हम टेंशन थे, टेंशन फ्री थे कि हाँ चलो डॉक्टर तो हमने अच्छी, हमारी अच्छी है। तो ठीक है, वो मतलब बहुत मतलब अच्छे से हमें देख रही थी, बताती थी किस तरह से क्या करना है ये वो। तो ठीक है, ये टाइम तो निकल गया, हमारे घर का पोजीशन मिला। दिक्कत वहाँ आनी शुरू हुई जब मैं अकेली पड़ गई वहाँ पर, लेकिन हाँ रमेश होता था। लेकिन मेरे को उस टाइम पे ना बहुत ज़्यादा गुस्सा, और पता नहीं इसमें भी शायद मैं अकेली पड़ गई थी या पता नहीं क्या था उस टाइम पे ना, मेरे को बहुत ज़्यादा लगता था। और अच्छी बात ये थी कि रमेश का ऑफिस आसपास ही था, कभी भी मुझे लगता था कि मेरे को प्रॉब्लम हो रही है या मैं
मेरे से संभाल नहीं रहा है कुछ, तो मैं फ़ोन कर देती थी, रमेश आ जाता था। अब बारी आती है अल्ट्रासाउंड की, पहली अल्ट्रासाउंड की। तो मतलब हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, और एक्साइटेड नहीं भी थे क्योंकि हमें नहीं पता था कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला। इतना पता था कि हार्ट बीट सुनने को मिलेगी, लेकिन वो खुशी तभी होती है ना जब आप सुनते हो उस चीज़ को। तो पहले तो हम लोग बिल्कुल ब्लैंक थे कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला। तो हम लोग गए, हम लोगों ने क्या कैसे मतलब हार्ट बीट देखी और महसूस करी, तो वो चीज़ तो वाकई बहुत ज़्यादा स्पेशल थी। और मतलब ये था, मतलब उस टाइम पे तो ये था कि हमें पता नहीं है कि क्या होने वाला है, बट उसी टाइम से हम नेक्स्ट अल्ट्रासाउंड का वेट करते थे, मैं भी रमेश भी, कि भाई ये मतलब इसी के थ्रू हम लोग देख पा रहे हैं, उसको सुन पा रहे हैं। तो मतलब ये तो मतलब ये था कि भैया अगला अल्ट्रासाउंड का टाइम कब आएगा कब आएगा, इस टाइप का होता था हमारा वेट। अच्छा, अल्ट्रासाउंड से ना एक बात और याद आ गई, एक किस्सा याद आ गया मुझे, वो ये कि हम शायद सेकेंड या थर्ड अल्ट्रासाउंड के लिए जा रहे थे, शायद थर्ड था, मुझे याद नहीं है लेकिन शायद थर्ड था। तो हाँ, तो वहाँ पे क्या है कि कोई अपॉइंटमेंट सिस्टम नहीं था, आप जैसे ही आते हो तो आपकी आप अपनी लाइन के अकॉर्डिंग आप अपना अल्ट्रासाउंड कराते हो, ठीक है। तो वहाँ पे एक आदमी आया अपनी फैमिली को लेके, तो वो बहुत चिल्ला रहा था कि मैंने तो कल ही अपॉइंटमेंट ले ली थी, अब मेरे को तो ऐसे बताया गया था, मेरे को तो डॉक्टर से मिलना है, मैं नहीं वेट करूँगा, ये वो ऐसे ऐसे। और ऐसी कोई उनको मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम भी नहीं लग रही थी, वो जस्ट अपना रेगुलर चेकअप कराने के लिए, अपनी वाइफ का कराने के लिए आए थे। तो मेरा या मेरा मेरे को डॉक्टर ने ना बुलाया था कि आपका नंबर आ चुका है आप आ जाइए। तो मैं बिल्कुल एकदम रेडी थी, मैं बिल्कुल डोर पे खड़ी थी कि हाँ भाई अब मैं अंदर जाऊंगी और अपना अल्ट्रासाउंड कराऊंगी। तो फिर ऐसा हुआ कि वो बंदा घुस गया ज़बरदस्ती और मैं ऐसी खड़ी रह गई। और उस टाइम पे तो ये होता ना कि हाँ अब मतलब उठना बैठना भी बड़ा मुश्किल है, तो मैं बड़ी मुश्किल से उठी थी, खड़ी हुई थी, और मैं ऐसे फिर खड़ी रह गई। तो देखा तो मतलब वो तो ऐसा हुआ कि वो अपनी वाइफ का चेकअप कराने लग गया। तो इस टाइप का कुछ हुआ, तो मतलब थोड़ा सा हल्का सा हो गया था वहाँ पर माहौल, थोड़ा ऐसा हो गया था। फिर डॉक्टर ने पता नहीं क्या हुआ, मतलब वो लेडी बेचारी अपना अल्ट्रासाउंड कराने के लिए लेट भी चुकी थी, सब कुछ मतलब एकदम रेडी थी, लेकिन जो जो सीनियर डॉक्टर आया वो कह रहा है कि ऐसा नहीं होगा, सब लोग लाइन से हैं तो आप लोग भी लाइन से आइएगा। वो बेचारी लेडी को उठना पड़ा, वो बाहर निकली और मैं वहीं की वहीं खड़ी थी। मुझे बोला गया कि नेहा देशवाल कौन है, मैंने बोला हाँ मैं हूँ, मैं यहाँ खड़ी थी, आप लोगों ने बुलाया था मुझे, कह रहे आप प्लीज़ अंदर आइए। तो मतलब वो मोमेंट बड़ा अजीब सा था कि एक बंदा चला गया अंदर, बेचारी लेट गई थी, वापस उठना पड़ा। वो इंसिडेंट ना बड़ा अजीब सा लगा मुझे, मतलब मेरे को भी रमेश को भी ऐसा लगा जैसे कि लड्डू अंदर से ही मतलब कि भैया मैं गलत नहीं सहूंगा, मेरा राइट है, मेरा टर्न था अभी, तो मैं ही अंदर जाऊंगा। तो मतलब अब पता नहीं आपको सुन के कैसा लग रहा होगा, लेकिन उस टाइम पे हमको तो बहुत ज़्यादा अलग सा लगा था ये बात। तो जो भी है, मेरी टर्न आई और अंदर हम लोग गए, तो उस टाइम पे तो लड्डू ने अंदर से ऐसे हाथ करके भी दिखाया था। तो मतलब रमेश कह रहा, रमेश को मतलब थोड़ा लगा कि मैंने मिस कर दिया था वो वाला मोमेंट, लेकिन रमेश ने डॉक्टर से बोला, डॉक्टर ये बेबी ने मेरे को ऐसे हिलाया, हाथ हिला के दिखाया, कह रहे हाँ हाँ ये आपका बेबी ने ऐसे ऐसे करके दिखाया। तो वो अल्ट्रासाउंड सच में मतलब वो आज तक भी हम बात करते हैं और इतना ज़्यादा खुश होकर बात करते हैं उस अल्ट्रासाउंड के बारे में, सच में वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल था हमारे लिए। और अब बात करते हैं बिल्कुल लास्ट वाले अल्ट्रासाउंड में, तो ये हुआ था एक बार, मतलब वो टाइम, वो मेरे ख्याल से इस पूरी जर्नी का लास्ट अल्ट्रासाउंड था। तो वो हम किसी और डॉक्टर के पास गए थे, मतलब वो जो हमारा जो हॉस्पिटल था उससे बिल्कुल सामने था। तो जो हमारी डॉक्टर थी उन्होंने बोला था कि आपको आने जाने में फिर बहुत टाइम लग जाएगा, लास्ट का टाइम है, इतना आप आना जाना भी मत करो, सामने वाले लैब से ही करवा लो आप, वो लिख के दे देंगे तो मैं आपको रिपोर्ट हैंड टू हैंड दे दूंगी। तो उस दिन क्या हुआ था लास्ट, उसमें वो जो डॉक्टर थी उन्होंने ना रमेश को अंदर आने से मतलब अंदर आने से मना कर दिया था कि नहीं सिर्फ आप आएंगी। तो मतलब मैंने जैसे बताया कि हम हर अल्ट्रासाउंड का वेट करते थे और मेरे से ज़्यादा तो रमेश वेट करता था, क्योंकि मेरे को तो फिर भी समझ में आता है कि कैसे बेबी अंदर मूव कर रहा है, कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है,
रमेश को तो बस उसी से दिखता था। तो उस दिन रमेश बड़ा इमोशनल हो गया था, रोने लग गया था। मतलब मैं तो अभी बोलते हुए भी मेरे को थोड़ा अजीब लग रहा है। तो उस दिन रमेश इतना ज़्यादा परेशान था कि यार मेरे को लड्डू देखने का नहीं मिला, और मैं भी बहुत ज़्यादा दुखी थी क्योंकि रहता ना कि दोनों ही जाते थे, दोनों ही देखते थे, दोनों ही महसूस करते थे। तो ये वाला अल्ट्रासाउंड में तो सच में हम लोग बहुत ज़्यादा दुखी हो गए थे। अच्छा, जैसे कि मैंने बताया कि मेरी तबीयत ख़राब रहती थी, और वो जो आयरन और कैल्शियम की दवाई देते थे ना, मैं वो भी नहीं खा पाती थी। और मतलब मेरे को ये लगता था कि मैंने बहुत टाइम तक तो ना मैं वो दवाई मैंने ना अवॉइड की, मेरे से खाई नहीं जाती थी। मतलब जैसी मैंने खाई वैसी खाना सब बाहर। तो मतलब वो डॉक्टर, फिर मैंने डॉक्टर को बताया कि ये ज़रूरी है क्या लेना, कह रहे पागल हो रही हो, ये ज़रूरी है लेना, इसी से ही डेवलपमेंट होगी अंदर ये वो। तो फिर मतलब किसी तरीके से फिर मैंने बोला बस वही बेबी का सोच के मैं बस खा लेती थी किसी तरीके से। अब थ्रू आउट तो मेरा ठीक रहा। अब लास्ट के टाइम पे ना डॉक्टर ने बोला था कि इसका वेट बहुत ज़्यादा कम है, मतलब मेरा वेट बहुत ज़्यादा कम है, बेबी अंदर ठीक है, लेकिन इसका कुछ करो कि नहीं तो लास्ट के टाइम पे नॉर्मल अगर चाहते हो डिलीवरी तो उसमें बहुत दिक्कत हो जाएगी। मेरी दीदी की भी डिलीवरी जो थी वो नॉर्मली हुई थी, और उन्हीं डॉक्टर से ही हम लोग कंसल्ट कर रहे थे। तो उन्होंने हमें बताया कि ये तो बहुत दिक्कत हो जाएगी नॉर्मल डिलीवरी अगर चाहते हो तो, मतलब अपना वेट भी और आयरन वगैरह जो है बॉडी में जो होना चाहिए वो चीज़ मेंटेन करके चलनी पड़ेगी आपको। तो फिर उस टाइम पे मम्मी भी थी हमारे साथ जब हम लोग डॉक्टर विजिट कर रहे थे। तो फिर वो टाइम था कि मम्मी ने बोला कि आप लास्ट के 2 महीने ही बचे हैं, मैं तेरे घर में चलती हूँ, तेरे साथ ही रहूँगी। और फिर मॉम ने इतना ध्यान रखा मेरा, लोहे के कढ़ाई में साग पालक सब बना के, रोज का मेरे को ये होता था कि साग पालक तो मेरे को मिल ही रहा है। मतलब पूरा डाइट चला है ना उस टाइम पे, लास्ट के 2 महीने तो इतना ज़्यादा अच्छे से रहा है। मम्मी मतलब यही कहती थी पता नहीं तुम लोगों ने क्या किया है पीछे, क्या किया, क्या खाया है, क्या ध्यान रखा है अपना, मुझे कुछ नहीं पता, अब जो करूँगी मैं करूँगी। तो ठीक है, फिर लास्ट के टाइम पे डॉक्टर ने बोल दिया था कि थोड़ा वॉक वगैरह करा करो, बहुत आराम ले लिया तुमने। तो मैं वॉक करती थी, सुबह भी करती थी, और वही घास में नंगे पाँव चलती थी, और अच्छे से सोसाइटी में वॉक वगैरह करके आते थे। घर आके फिर जो सुबह का काम वगैरह रहता था वो थोड़ा बहुत किया, झाड़ू पोछा में लगाती थी, पोछा लगाती थी हाथ से बैठ के। तो एक तो वो मॉम भी कहती थी और डॉक्टर भी कहती थी कि तुम करो, क्योंकि कोई ऐसी मतलब जैसे कॉम्प्लिकेशंस नहीं थे, कुछ भी नहीं था ऐसा, तो मेरे को अलाउड था कि मैं आराम से ये सारी चीज़ें मैं कर सकती हूँ। और रात को भी मैं वॉक करती थी, और ऐसे ऐसे करके मतलब मेरे 2 महीने भी बीत गए। तो अब आता है ट्विस्ट और टेंशन भी कह सकते हो आप। मतलब हम लोग बहुत रिलीव थे ये देखकर कि हमारी जो डॉक्टर है वो काफ़ी अच्छी है, और मतलब दीदी की डिलीवरी करी हुई थी उन्होंने, तो हम लोग इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा रिलीव थे कि चलो हम लोग मतलब अच्छे हाथों में हैं, ठीक हाथों में हैं, हम लोगों का सब कुछ सही हो जाएगा, नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। क्योंकि चाहे कितना भी हो लेकिन हाँ, नॉर्मल डिलीवरी के लिए तो पहले इंसान ट्राई करता ही है। तो वो हमारा ये था कि हाँ भाई हम लोग सेफ हैंड्स में हैं तो सब कुछ ठीक ठीक होगा करके। अब जब उस टाइम पे ना जब लड्डू होने वाला था, उस टाइम पर सावन का टाइम चल रहा था, मतलब सावन स्टार्ट होने वाले थे। तो उस टाइम पर मेरी डॉक्टर ने मुझे बताया कि जब आपका टाइम होगा डिलीवरी का उस टाइम पे शायद मैं नहीं रहूँगी। तो मतलब ये सुन के तो ना हमारी हवाइयाँ उड़ गए थे, और मतलब हम लोग तो एकदम टेंशन में आ गए थे कि यार ये कैसे होगा, ऐसे ऐसे मतलब इसी चीज़, मतलब ये था कि भैया नॉर्मल डिलीवरी के लिए यही सोच के हम लोग इन डॉक्टर से हम लोग मतलब कंसल्ट किए थे। तो मतलब थोड़ा सा टेंशन हम लोग मतलब हम लोगों के तो मतलब क्या बोलूँ, बहुत ज़्यादा रियल टेंशन में आ गए थे। लेकिन उन्होंने तसल्ली दी कि नहीं आप चिंता मत करो, मैं जिन डॉक्टर को अपनी जगह छोड़ के जाऊँगी वो बहुत ज़्यादा अच्छी है और मेरे से बहुत ज़्यादा सीनियर है, मेरी सीनियर ही है वो, और मतलब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जितना फेथ आप मेरे पे रख रहे थे उतना ही फेथ आप उन पे रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो हम लोगों ने बस वही है कि भगवान पे छोड़ दिया कि देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता।
बस यही सोच के कि आप कितना भी प्लान कर लो, मैं तो हमेशा यही बोलती हूँ, आप कितना भी प्लान कर लो लेकिन आपके प्लान के ऊपर भी किसी का प्लान जो है वो काम कर रहा होता है। तो जो भी है, मतलब हम लोग बस यहाँ पे भी डॉक्टर डॉक्टर्स पे ही कश्मकश में रह गए, लेकिन चीज़ें आगे जाके आप सुनेंगे तो बहुत ज़्यादा हंसेंगे चीज़ें। मतलब यहाँ तो हम टेंशन ले रहे थे कि यार ये डॉक्टर वो डॉक्टर वो डॉक्टर नहीं ये डॉक्टर, 2 दिन से हम पीछे रह गए, ये सब ऐसा ऐसा हुआ, लेकिन लास्ट में आप सुनोगे ना क्या हुआ तो आप भी हंसोगे, वो बताऊंगी मैं अभी। तो उस दौरान मम्मी ने मेरी बहुत टेक केयर की, खिलाया पिलाया अच्छे से, और फिर जब मतलब जो टेस्ट वगैरह करवाए थे तो सब कुछ ओके था। तो अब टाइम बिल्कुल नज़दीक आ रहा था, लड्डू की जो एक्सपेक्टेड डेट बताई थी वही बताई थी कि 9th ऑफ अगस्त 2019। तो लेकिन लड्डू पहले ही हो गया था, कुछ 10-15 दिन पहले ही। तो ये था कि अब मतलब उस टाइम की बात बताती हूँ मैं जब हमें हॉस्पिटल रश करना पड़ा। वो ये था कि हम लोग वही रात को हम लोग वॉक कर रहे थे मैं और रमेश, तो मुझे ऐसा लगा जैसे कि कुछ मतलब जो ज़्यादा भारीपन है ना वो नीचे की तरफ आ रहा है, और मुझे कोई पेन महसूस नहीं हो रहा था, कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था, कमर में भी बस हल्का हल्का ऐसा लग रहा था कि हल्का हल्का सा दर्द, हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा, मतलब जैसे लोग बताते हैं या अभी तक हम लोगों ने सुना होगा कि लेबर पेन पेन ऐसा होता है ऐसा होता है, तो उसके भी बिल्कुल करीब करीब भी मैं नहीं पहुंच रही थी। मतलब उस एक्सपीरियंस जो मैं कर रही थी अंदर वो उसके करीब करीब भी नहीं था, लेकिन मुझे ऐसा लगा जैसे शायद यही है क्या। और चलते वक्त मेरा मतलब सारा जो वजन था वो नीचे की तरफ आ रहा था, तो मुझे लगा शायद यही है क्या। तो मैं कह रही हूँ रमेश चलते हैं ऊपर, चलते घर चलते, वॉक बहुत हो गई है, कम से मैं मम्मी को कम से कम बताऊं कि ऐसा ऐसा हो रहा है क्या, यही है क्या पूछे। तो मम्मी कह रही है कि इतना हल्का, तू तो सही है, कुछ ऐसा तो नहीं। उस टाइम पर तो इंसान मतलब वो मतलब रह ही नहीं पाता, तो मतलब फिर भी मतलब थोड़ा बहुत जितना भी बताई थी मम्मी कहती कि शायद यही है तो मतलब हम लोग कन्फ्यूज थे। तो फिर दीदी को फ़ोन किया, तो दीदी कह रही है हाँ ऐसे ही होता है स्टार्टिंग में ही, तो अब अचानक से थोड़ी ना तेरे को दर्द होने लगेगा। तो कह रही है ऐसे करते हैं, अब बैग वगैरह तो हमने पैक करके रखा ही था कि भैया कभी भी जाना पड़े 2 दिन में 3 दिन में हफ्ते में, तो बैग हमारा जो था हॉस्पिटल जाने का वो हमने पैक करके रखा ही हुआ था। तो दीदी से बात हुई तो दीदी ने बोला कि नहीं नहीं चल देते हैं, कुछ नहीं होगा तो आ जाएंगे वापस, लेकिन अगर मान लो ये वही पेन हुआ तो फिर अचानक लास्ट मिनट में भागना ना बहुत ज़्यादा फिर रिस्की भी हो जाएगा, तो अभी ही चल देते हैं। तो बस पापा घर में थे उस टाइम पर, मैं मॉम और रमेश हम लोग चल पड़े हॉस्पिटल के लिए, और रास्ते में से दीदी को भी पिक कर लिया हमने। तो मैं तो बड़े मज़े से दीदी को व्हाट्सएप कर रही हूँ कि हाँ भाई हम तेरे घर के नीचे पहुँच गए, तू आ जा। तो कह रही है देख पता नहीं श्योर तो लग नहीं रहा कि तेरा टाइम आया या नहीं आया, मतलब उस टाइम पे इतना फनी हो रहा था कि बताओ इसको लेके जा रहे हैं, इसको लेके जा रहे हैं हम डिलीवरी के लिए, ये तो मतलब सब ठीक ठाक है इसके साथ। तो फिर भी हम लोग गए कि नहीं भैया देखते हैं क्या होगा। तो हम लोग गए, चेक वगैरह किया, तो डॉक्टर ने बोला अभी तो टाइम नहीं है, अभी तो टाइम है आपके पास। तो हाँ फिर भी हम लोगों ने मतलब जो है एडमिट वगैरह हम लोगों ने हो गए कि नहीं अभी टाइम है, लेकिन शायद अभी मतलब वैसे टाइम लगेगा। ठीक है हम लोग बैठे उस दिन, हम लोग पूरा मतलब हम लोग हाँ रात के हम लोग कितने बजे, कम से कम 11 बजे निकले थे, रात के 11 बजे निकले थे हम लोग। तो उस दिन पूरी रात निकल गई हॉस्पिटल में, कुछ नहीं हुआ, तो मॉम कहने लग गई चलते हैं ना चलते हैं ना चलते हैं, तो हम लोग नहीं माने, पूरी रात जो थी वो तो निकल गई। अब अगले दिन हम लोग फिर दोबारा से उसमें थे कि हाँ तेरे को सब मेरे को सब पूछ रहे कुछ हुआ कुछ हुआ कुछ हुआ, नहीं कुछ नहीं हो रहा कुछ नहीं हो रहा। तो लेकिन हम डॉक्टर से पूछ रहे हैं कि क्योंकि अब हमें ये भी था कि पता नहीं आज भी होगा या नहीं होगा, और मतलब आज का दिन भी ऐसे ना चल जाए इससे बेटर है कि हम लोग घर में अपना रेस्ट करें, तो ये भी दिमाग में चल रहा था। तो फिर डॉक्टर को हमने एक बार फाइनली बुलाया और उनसे पूछा कि हमें रुकना चाहिए या हम घर चले जाए। तो उन्होंने जब दोबारा से चेक किया कि नहीं इसको भी कॉन्ट्रैक्शन तो आ रहे हैं लेकिन इसका पेन नहीं स्टार्ट हो रहा, तो थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं अभी घर नहीं जाना करके बोल दिया उन्होंने। तो जो भी है फिर हम लोगों ने फिर सुबह से फिर हम लोगों ने वेट करना शुरू किया। तो सुबह से दोपहर हो गई, कुछ कोई नामो निशान नहीं कुछ थी,
फिर जाके मतलब वो डॉक्टर जो थी, जो मतलब मेरे डॉक्टर के बदले आई थी, वो मतलब बार बार राउंड्स मार रही थी, चेक कर रही थी। तो मतलब चीजें कुछ अभी भी मतलब टाइम था हाथों में। तो जो भी ऐसे करते करते 5 बज गए। फिर 6 बजे वो डॉक्टर फिर से आई। फिर मेरे को ये था कि अब मेरे को उन्होंने पेन दिलाना शुरू किया, मतलब मेरे को पेन तो आई नहीं लेकिन पेन दिलाना उन्होंने शुरू किया। तो फिर है धीरे धीरे मेरे को पेन आने लग गए। तो अब फिर डॉक्टर ना चली गई थी, मतलब उनको भी मतलब देखना होता है, दूसरे पेशेंट्स वगैरह को भी देखना होता है, या और भी प्रेगनेंसी केसेस थे, तो वो चली गई। लेकिन बीच बीच में वो आ रही थी, चेक कर रही थी। अब 6 बज गए, 7 बज गए, 8 बज गए, कोई नामो निशानी, कुछ नहीं। बार बार नर्सेज आ रही हैं, चेक कर रही हैं। फिर बीच में डॉक्टर भी आए, उन्होंने भी चेक किया। तो कोई अभी टाइम है, अभी टाइम है कर रहे थे। ऐसे करते करते 10 बज गए। 10 बजे फिर आई वो डॉक्टर, फिर चेक किया कि नहीं अभी थोड़ा सा टाइम और है, अभी अभी थोड़ा सा वेट करो। और मैं यहाँ पर इतना पेन, इतना पेन, मतलब अभी तक तो यही सुनते थे कि हाँ पेन होता है, ऐसे होता है, वैसे होता है, बर्दाश्त नहीं होता। सुनने में तो डर लगता ही था, लेकिन अब जब रियल पे उस चीज को एक्सपीरियंस कर रही थी तो वाकई वो उन सुनने से भी बहुत ज्यादा था। वो सुनाई में कुछ अलग आता है, किस्सों में अलग होता है, लेकिन जब आप रियल लाइफ में उस चीज को एक्सपीरियंस कर रहे होते हो तो वो तो अलग ही लेवल होता है उसका। तो मेरे को बहुत ज्यादा तंग, मतलब मैं बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा डरते और वेट कर रही थी कि आप मतलब अभी अभी हो, अभी हो, अभी हो करके दीदी मेरे को ऐसे ऐसे करके, मुझे अच्छे से याद है, ऐसे ऐसे कर रही थी कि हौसला रख, हौसला रख, रमेश ऐसे कर रहा था, मैं उनके हाथ झटक दे रही थी कि मुझे इतना पेन हो रहा था। पर जो भी है, अब फाइनली मेरा अंदर जाने का टाइम आया। मैं अंदर गई, मुझे सब साफ सुनाई दे रहा है, नर्सेस कह रही हैं डॉक्टर को कि आ जाओ एक बार, आप चेक कर लो। वो आई, चेक किया, बाकी जो जो तैयारियां होती है आगे की वो सब किया नर्सेस ने। तो डॉक्टर आई, चेक करके गई, डॉक्टर ने बोला अभी भी टाइम है थोड़ा सा और वेट करो। फिर डॉक्टर चली गई। अब क्या हुआ, इस बीच मतलब सारी जो भी प्रिपरेशन थी वो सब हो गया, सब कुछ हो गया। अब मैं वेट कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा मतलब दर्द हो रहा है, मैं मतलब किस तरीके से मैनेज कर रही हूँ और कर रही हूँ। और लास्ट टाइम पे ये हुआ कि अब पेन ज़्यादा है, लट्टू बिल्कुल मतलब अब होने वाला है किसी भी मोमेंट। नर्सेज यहाँ पे फोन पे है कि डॉक्टर आप आ जाओ, अब होने ही वाला है, आप आ जाओ। डॉक्टर है नहीं वहां पर, डॉक्टर है नहीं। और मैं तो, मेरे को तो कुछ सब सुनाई दे रहा है लेकिन मैं अपने ही पेन में हूँ और कुछ मेरे को पता नहीं है, बाहर मम्मी रमेश है कुछ। उस टाइम पर तो आप होते ही नहीं हो ना, आप बिल्कुल आप अलग, अपने ही लेवल, अपने ही उसमें रहते हो। मतलब मुझे इतना पेन हो रहा था ना, मैं तो कहती कि मुझे नहीं करना, मुझे जल्दी करा दो बस किसी तरीके से। मतलब ये सिजेरियन तक भी बात आ गई थी कि नहीं सिजेरियन करा देते हैं करके। मॉम भी कह रही थी करा देते, लेकिन फिर यही हुआ कि नहीं थोड़ा सा और बर्दाश्त कर लेंगे तो बढ़िया रह जाएगा और नॉर्मल हो जाएगा, सब सही हो जाएगा। तो बस वही है, फिर थोड़ा सा वेट किया हम लोगों ने। मेरे को सुनाई सब दे रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन मैं जो उस पेन से डील कर रही थी, मैं उसके अलावा कुछ भी नहीं कर पा रही थी। तो बस, तो अब नर्सेस नर्सेस फोन कर रही है, फोन कर रही है, मैडम जल्दी आइए, डॉक्टर जल्दी आइए, ऐसे सर के बोल रही है। और क्या हुआ, वो डॉक्टर नहीं आई, नहीं आई, इतने में लड्डू हो गया। और जैसी लड्डू हुआ और नर्स के हाथों हुआ, और जैसी लड्डू हुआ तब जाके आई डॉक्टर। और मतलब वो, मतलब ये सब तो हम, मैं बाद में सुन के हंसती हूँ। मतलब उस टाइम पे तो मुझे कुछ नहीं पता, लड्डू हो गया इतना मुझे पता चला, और लड्डू हुआ क्या मुझे तब भी कुछ नहीं पता। मुझे इतना बस रिलीव हुआ कि हाँ मेरा पेन जो है वो रुक गया, मैंने बस आंखें बंद करी। और फिर जैसे एक एक पल ही हुआ होगा, मैंने आंखें बंद करी, नेक्स्ट 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 मोमेंट मेरे को ये याद आया, अरे मेरे अपना बच्चा तो देख लूँ, बच्चा तो देखा। तो फिर वो ले जाते हैं ना वो सफाई वफाई करने के लिए बच्चे की, बेबी की, तो वो पीछे की साइड था, तो मैं ऐसे करके देख रही थी कि हाँ चलो बेबी है, हो गया। और मैंने टाइम भी देखा उस टाइम पे, इतना कुछ होने के बाद भी मतलब एक मदर को जो इतने उससे जूझ रही है, और एक मोमेंट में मतलब ये हुआ कि हाँ भैया रिलीफ, आंखें बंद की तो एकदम से दिमाग में आया कि नहीं अरे मेरा बेबी तो देख लूँ, कहाँ है बेबी देखा। फिर मैंने टाइम नोट किया, मतलब उस टाइम पर एक मदर को इतना भी होश रहता है। तो मैंने टाइम चेक किया तो कुछ 11 बजे के अराउंड था। तो मतलब एक दिन पूरा
फिर अगले दिन पूरा, फिर रात को जाके हुआ, और वो दिन था सावन का पहला सोमवार। मतलब यही रीजन है जो मैं आपको व्लॉग्स में बताती रहती हूँ ना कि मेरे को बहुत विश्वास है, मेरे को तो यही लगता है कि भोलेनाथ साक्षात मेरे घर में ही है लड्डू के रूप में। तो मतलब यही एक रीजन है क्योंकि लड्डू पहले सोमवार हुआ था, सावन के पहले सोमवार। तो डॉक्टर आई, डॉक्टर मुझे देख के हंस रही, जब मैं भी थोड़ी जब ठीक हो गई थी, कह रही है मैं इतना चक्कर लगा रही हूँ हर कुछ कर, मतलब तुम्हारा बच्चा मेरे हाथों होना ही नहीं था, मतलब उस नर्स के हाथों हुआ मेरा बेबी। मतलब वही ना, अभी तक हम लोग इस बात पे टेंशन ले रहे थे। डॉक्टर, मेरी पहली वाली डॉक्टर को मैं कह रही थी कि आप चली जाओगी तो कैसे होगा, सब कुछ कैसे होगा, इतने टाइम से मेरे को आप पे ही फेर था, आप ही से मैं सारी चीजें डिस्कस करती हूँ, आप चली जाओगे तो कैसे होगा, मतलब इतना डॉक्टर 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 हुआ, इतनी टेंशन हुई। लास्ट में हुआ क्या, खुद ब खुद मतलब नर्स के हाथों ही हो गया। मतलब 6 बजे से लेके 11 बजे तक मुझे मतलब जो पेन है वो मेरे को सहना पड़ा। तो मैं ज्यादा तो मतलब ज्यादा टाइम तो नहीं बोलूंगी क्योंकि मैंने औरों को भी सुना है, वो तो मतलब 10 घंटा 11 घंटा भी उन्होंने वेट किया है और मतलब ठीक रहा। मतलब लास्ट के टाइम पे भी ऐसा लगा जैसे बहुत इजीली हो गया सब कुछ। और मतलब डॉक्टर का वेट करते ना तो शायद बहुत लेट हो जाता है, इसलिए वो मतलब नर्स ने बहुत वाइजली डिसीजन लिया और खुद मतलब वो कॉन्फिडेंट थी तभी उसने चीज़ें हैंडल की और टैकल किया। नहीं तो अगर वो मतलब अगर नहीं होती ना, मतलब कॉन्फिडेंट नहीं होती ना, तो वो करती नहीं। और उसको लग रहा था कि शायद अगर मान लो लेट हो जाए या कुछ, उस टाइम पर तो कुछ कह ही नहीं सकते ना किसी का, जो हरकतें अभी हम उसकी देखते हैं लड्डू की, मतलब वो तो उसने ट्रेलर पहले ही दिखा दिया था। तो ना सच में, तो मतलब अभी भी हम उस बात को याद करते हैं ना सच में कि ये क्या था। मतलब उफ, तो डॉक्टर गई, नर्स गई बाहर कि मुझे बेबी के लिए क्लोथ्स वगैरह मांगते हैं ना, तो रमेश इतना खुश था, तो दीदी दीदी लेके जा रही थी, तो रमेश तो इतना खुश था कि दीदी प्लीज मैं जाऊंगा, मेरे को देखना है सबसे पहले। तो फिर दीदी ने बोला चलो जाओ। तो वही है कि फिर रमेश आया, सबसे पहले मुझे देखा, फिर जाके लड्डू को देखा। उस टाइम पर मतलब मैंने तो दूर दूर से ही देखा था, मैंने तो पास से देखा ही नहीं था, कुछ टाइम बाद मेरे को देखने को मिला। लेकिन तो ये था मतलब वो इतना, अभी हम उस बात को सोचते हैं कि इतना टेंशन ले रहे थे, इतना ये हुआ था, ये था वो स्पेशल दिन। अभी भी मतलब सोचते हैं ना तो मतलब हंसी आती है, मुस्कान आती है चेहरे पे, मतलब अलग ही दिन था। मतलब कहते हैं ना जिसको मतलब हम लोग इतना टेंशन ले रहे थे, डॉक्टर डॉक्टर एंड टाइम पे डॉक्टर नहीं, पहले डॉक्टर चेंज हो गई, फिर एंड टाइम पे डॉक्टर नहीं, और फिर मतलब ऐसे मतलब नर्स के हाथों में। लेकिन वाकई वो नर्स भी इतनी अच्छी थी, मतलब डॉक्टर ना होते भी मतलब मेरा केस जो है इतने अच्छे तरीके से हैंडल किया और इतने सेफ तरीके से मतलब लड्डू आया। फिर मतलब वही होता है ना कि भैया चाहे कुछ भी कैसे भी सिचुएशन हो, जिसको आना है वो किसी तरीके से भी आएगा। तो भाई ये मेरा लड्डू मतलब हीरो वाली एंट्री लेकर किसी तरीके से, मतलब उसको जरूरत नहीं है किसी की, किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं है, वो खुद ही आ गया। तो ये थी मेरी डिलीवरी स्टोरी, मतलब अतरंगी कह सकते हो आप, ये थी मेरी अतरंगी डिलीवरी स्टोरी। तो मतलब जैसा लड्डू का ट्रेलर था, अब जो देख रही हूँ तो वो पूरी की पूरी मुझे पिक्चर दिखाई रहा है। खैर, इतना शैतान है, इतना बदमाश है वो, जो कि आप लोग देखते ही हो हर रोज। तो ये थी मेरी डिलीवरी स्टोरी, आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी, मुस्कान आई होगी आपके चेहरों पे भी, क्योंकि हम अब आज तो मतलब 2 साल अभी होने वाले हैं इस मंथ, 22 जुलाई को 2 साल हो जाएंगे। तो मतलब 2 साल होने जा रहे हैं, लेकिन अभी भी वो मेमोरीज जो है वो बिल्कुल अभी तक मेरे माइंड में बिल्कुल ताजी है, और अभी भी सोचती हूँ तो है ना हंसी आती है मुझे। तो ये थी मेरी डिलीवरी स्टोरी, आप लोग आई होप आप लोगों को भी अच्छी लगी होगी। तो चलिए, अब मिलते हैं रेगुलरली अपने व्लॉग्स में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।